फिरोजाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 48 के लेबर कॉलोनी में ओवरब्रिज पानी की टंकी से होते हुए लेबर कॉलोनी तिराहे तक रामलीला मैदान के सामने वाली सड़क काफी दिनों से क्षतिग्रस्त पड़ी थी, जिसकी वजह से वहां के क्षेत्रीय निवासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। उनके परेशानियों को देखते हुए आज नगर निगम फिरोजाबाद की मेयर नूतन राठौर द्वारा वार्ड नंबर 48 के लेबर कॉलोनी में ओवरब्रिज पानी टंकी से होते हुए लेबर कॉलोनी तिराहे तक रामलीला मैदान के सामने पार्षद वाले रोड तथा प्राथमिक विद्यालय तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य, वाइट पट्टी, कैट आई, सोलर लाइट, फोर साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग, रिलेइंग एवं नाली निर्माण कार्य का हवन पूजन करके शुभारंभ किया गया। इस निर्माण कार्य में नगर निगम द्वारा 15वें वित्त आयोग से लगभग 67 लाख रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। साथ ही साथ वार्ड नंबर 48 के लेबर कॉलोनी में क्षतिग्रस्त टंकी की बाउंड्री वॉल का निर्माण तथा ग्राउंड में कलर्ड स्ट्रिप के साथ साथ इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं लोहे के गेट का कार्य का भी शुभारम्भ किया गया है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, वार्ड नंबर 48 लेबर कॉलोनी में जो रामलीला ग्राउंड है, इसको नगर निगम के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। और उसके पश्चात, जैसा कि आज का शुभ समय है, शुभ दिन है, आज हमने इस रामलीला ग्राउंड के चारों ओर का जो मार्ग था, सर्कल था, काफ़ी क्षतिग्रस्त था। जिस कार्य का आज हमने शिलान्यास किया है, इसमें जो डाबीकरण होगा रोड का, साइड पटरी बनेगी, नाली का निर्माण होगा, आज इस कार्य का हमने इसमें शिलान्यास किया है। मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि कुछ दिन बाद ही हमारे नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो यहाँ पर जल निगम की लाइन भी डाली जानी है, नगर निगम से रोड भी प्रस्तावित है, तो दोनों कार्यों का जो कोऑर्डिनेशन होगा, इसमें कल हमारे द्वारा नगर आयुक्त और सभी संबंधित विभाग के अधिकारी आए, मौके पर निरीक्षण किया। जितने क्षेत्र में सीवर की पाइपलाइन नहीं डलेगी, उस क्षेत्र में हमारा निर्माण कार्य आज से अभी से शुरू हो जाएगा, ताकि अभी तक जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी क्षतिग्रस्त मार्ग है, आवागमन में काफ़ी तकलीफ होती है। ये दतौंजी कला यहाँ से लगा हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ की काफ़ी संख्या यहाँ से यातायात की निकलती है, यातायात का दबाव रहता है, तो जिसको देखते हुए हमने जो नवरात्रि शुरू होंगे, उससे पहले हमारा जो निर्माण कार्य होगा उसको हम संपन्न करा लेंगे, और त्यौहार के बाद यहाँ पर जो सीवर लाइन आगे हिस्से में डलेगी, वो त्यौहार के बाद डलेगी, इस बात को हमने सुनिश्चित किया है, ताकि पूजा करने में, देवी मैया की आगमन में कोई तकलीफ ना हो। हमारे जितने भी यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, सभी को सहूलियत मिले, इसको देखते हुए नगर निगम और जल निगम एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगा। इस कार्य की कुल लागत लगभग 67 लाख रुपीज़ है।